कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूँ सी गरिमा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क। दीपावली का इस अवसर चल रहा है और दीपावली में कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दीपावली के बारे में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जानने के लिए, जहाँ पर हम आपको ले चलते हैं उस खास प्रोग्राम की तरफ, उस खास कार्यक्रम की तरफ, जहाँ पर हम हमारे सहयोगी के साथ आपको जुड़ाएंगे जो स्वामी आनंद सरस्वती हैं। अब उनके साथ हम जुड़ाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से दीपावली के अवसर पर अलग अलग तरीके से कैसे दीपावली मनानी जानी चाहिए और आखिरकार किस तरीके से दीपावली क्यों मनाया जाता है और आखिरकार हम आज के समय में अभी जो हमारी 20वीं सदी चल रही है उस समय पर हम हमारे भारत में किस तरीके से दीपावली मना रहे हैं और इसका क्या रिलेशन है धर्म से। आइए जानते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी नमस्ते। तो स्वामी जी आप हमें बताइए कि किस तरीके से दीपावली मनाई जाती है, जरा आप हमें बताएंगे कि आखिरकार दीपावली कैसे मनाई जाती है अभी की स्थिति में। जी आप तो बताइए, शुभम करते कल्याण, बस वही से शुरू हो गया। जब हम दीपो लगा दे करते वही जीवन में शुभ होना चाहिए। जब तक हमारा विचार था शुभ नहीं होगा तब तक जीवन में शुभ नहीं होना, कभी भी शुभ नहीं होगा। जी जी तब तक शुभ का मतलब क्या है कुछ भी नहीं है। हम बताए अशुभ मतलब अलक्ष्मी है। जी हम समझ रहे हैं। जी इसीलिए दीपावली को आप ऐसी तरह मनाएं कि जीवन में शुभ होना चाहिए। जी जरा आप हमें बताइए कि आखिरकार दीपावली क्यों मनाया जाता है धर्म पे, धर्मांतर धर्म के हिसाब से आखिरकार दीपावली का क्या कारण है और आखिरकार दीपों का जलाने का क्या कारण है। दीपावली को दरअसल दीप के नाम से जाना जाता है, दिए जलाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं। आजकल तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा दीपोत्सव भी मनाया जाता है, तो अब इस पर आपका क्या कहना है। जो देखिए धर्म और संस्कृति ये दोनों साथ साथ में है। जहाँ धर्म है वही संस्कृति है। हम ये बताते हैं कि जिसका धर्म जैसा होगा उस किसी व्यक्ति का संस्कृति भी ऐसा ही होगा ही होगा। जब हमें दीपावली बारे में सोचेंगे तो हम ये सुनते हैं कि रामायण का त्रेता युग में चला जाएंगे, जब राम 14 वर्ष वनवास करने के बाद जब वापस आए माता सीता को लेकर, कोई को हम दीपावली मानते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ महाराज ने जो कर रहे जो नहीं हो पा रहा था अभी कर रहे सबसे अच्छा चीज है। लेकिन इसी के साथ साथ जिसमें बताया धर्म के साथ संस्कृति है हमारे साथ। लेकिन ये जो दीपावली हम मनाते हैं दीपावली का सिर्फ राम के साथ संबंध नहीं, श्री राम जी का साथ संबंध नहीं है, माँ लक्ष्मी के और हमारा बुद्धि मन बुद्धि के साथ संबंध है। जी तो जी बोलिए बोलिए। इसलिए दीपावली को भिन्न प्रांत से भिन्न रूप से आप मनाते हैं। जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत में जाएंगे तो सबसे मजा चीज है, दक्षिण भारत में सुबह 4 बजे सबको जगा देंगे और बताएंगे गंगा स्नान करो। वो बताएंगे क्योंकि सुबह गंगा जी इधर की है, ब्राह्मण मुहूर्त को गंगा स्नान को बताते हैं। जिस तरह ओडिशा में भी देखेंगे, ओडिशा में भी अलग ही, उत्तर भारत में भी अलग ही है, पश्चिम भारत में भी अलग ही है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि दीपावली को सिर्फ हिंदू नहीं चाइनीज बुद्धिज्म लोग भी मानते हैं। और सबसे बड़ा चीज है आजकल जो धर्मांतरण हो गए, जो क्रिश्चियन लोग वो लोग ईसाई लोग भी आजकल अलग रूप से भी दीपावली को मानते हैं। जी तो हम ये पूछ रहे थे आपसे कि आखिरकार ये जो दीपावली मनाई जाती है अभी की स्थिति में, तो ये इसकी कहानी है कि आखिरकार दीप जलाते हैं अलग अलग जगहों पर, इसकी अपनी खासियत है, पर दीपावली की शुरुआत कहाँ से हुई थी और दीपावली के पीछे का कारण क्या था, इसमें राम जी कैसे जुड़ते हैं। हाँ हम सब जानते हैं कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो वापस आते हैं तो दीपावली मनाया जाता है, पर आप इसके बारे में जरा हमें विस्तार से समझाएं। सबसे बड़ा चीज जब हम रामायण पुष्टा देखते हैं
राम जी जो युद्ध के ये था धर्म और अधर्म का युद्ध, ये श्री राम का और रावण का युद्ध नहीं था। तो इसीलिए जब श्री राम जी ने वापस आए, धर्म का जब विजय हुआ अधर्म का जब नाश हुआ, इसीलिए दिया के साथ धर्म का स्वरूप श्री रामचंद्र भगवान को हम वेलकम आह्वान किए थे, स्वागत किए थे। तो इसीलिए हम ये सोचे थे, कभी भी सोच रहे कि हर टाइम हमारा मन में जो बुरा याद है, बुरा चीज आ रही, वही अधर्म है। वो अधर्म को नाश करने के लिए धर्म का जरूरत है और धर्म के जो अग्नि का प्रतीक है। हम ये भी मानते हैं अग्नि और ज्ञान ये दोनों है, इसीलिए स्वामी जी लोग अग्नि का वस्त्र जो कसाय वस्त्र पहनते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ये भी अग्नि का कलर है, क्योंकि ये ज्ञान का प्रतीक है। So, हम ये मानते हैं कि सिर्फ अंधकार दूर करने का मतलब है कि ज्ञान भी आना चाहिए, ये सबसे बड़ा चीज है जो हमारा संस्कृति में, इसी के साथ साथ बहुत कुछ चीज के ये भी हमको देखना चाहिए। जैसे हम ये भी मानते हैं कि दीपावली के साथ हम क्योंकि बिना कटकर के दीपावली कंप्लीट नहीं है, मुझे माफ कीजिए। इवन दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उच्चतम न्यायालय मना कर रहे, लेकिन ये धर्म के पर मेरे हिसाब से जी। तो आप हमें ये बताइए कि कैसे अभी के समय में दीपावली, तो आपने बता दिया कि कैसे पहले दीपावली क्यों मनाई जाती है, और अभी के समय में दीपावली को कई सारी ऐसी चीजें करते हैं और धूमधाम से अलग अलग जगहों में दीपावली मनाते हैं, पर दीपावली मनाने का असली विधि क्या है, और आखिरकार दीपावली को मनाने के लिए सटीक समय सटीक विधि के बारे में आप जरा हमें बताइए। सबसे बड़ा चीज है कि दीपावली मनाने के लिए जब हम मानते हैं कि माँ लक्ष्मी को आह्वान करना है, इसलिए शौच सबसे बड़ा चीज है। सो अंत शौच बाह्य शौच ये दोनों शुद्ध वातावरण सृष्टि करना है, इसलिए नया वस्त्र का परिधान करना है, और इसी के साथ साथ महालक्ष्मी को आह्वान करना चाहिए परिवार के साथ, हो सकता है तो पंचोपचार पूजा, मान लीजिए षोडशोपचार पूजा सबसे अच्छा है, आपको षोडशोपचार पूजा मालूम नहीं है, दसोपचार पूजा मालूम नहीं, तो पंचोपचार पूजा कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जब हम महालक्ष्मी को आवाहन नहीं करें तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि कैसे आए। सुख समृद्धि के लिए हमको महालक्ष्मी को आह्वान करना, और सबसे बड़ा चीज जब हम दिया सब जगह में डालेंगे देंगे, क्या होगा कि उजाला के साथ साथ हमारा मन का जो चिंता है, जो माइंड विल बी चेंज्ड, मन सो द मोमेंट विल लाइट द लैंप, एक बार हो जाएगा तो बस दिया के साथ साथ मन का चेंज भी हो जाएगा। और दूसरा चीज है कि जब हम पूजा करें सूक्ष्म रूप से भी कर सकते हैं, विस्तार रूप से कर सकते हैं, डिप्रेशन वेस्ट करने के लिए दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए थोड़ा मंत्र तो पिकअप कर लेना चाहिए। मान लीजिए किसी को मंत्र मालूम नहीं है, कम से कम महालक्ष्मी अष्टकम को तैयार करना चाहिए, यही तो पेपर के साथ और किताब के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या सबसे बड़ा चीज है कि जब भी हम कोई मंत्र पाठ करेंगे, मंत्र माध्यम से हम वातावरण के साथ साथ हमारा मन को परिवर्तन करेंगे, उसी आधार से सब कुछ हमारा बेनिफिट निकलेगा। जैसे नमस्ते स्तु महावाय सूर पूजिते शंख चक्र हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, जब इसी तरह में महालक्ष्मी को आह्वान लेकिन क्या होगा कि
जैसे सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरे सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। जब ये होता है सर्व दुख हरे, जो कुछ दुख मेरा है आप ही हरण करने वाले। केवल नॉट ओनली दैट, सर्वज्ञ सर्ववरद है, जो कुछ मैं वर चाहू वो वर आप ही देने वाली है। और मुझे क्या चाहिए जीवन में, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदाय मंत्र मुक्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तु देवी अत्यंतरहिते देवी अत्यशक्ति महेश्वरी योग जिज्ञोग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तु देवी। ये मतलब क्या, देखिए सारे मंत्र में ये कहा गया कि लक्ष्मी का स्वरूप और कुछ नहीं है, सब मेरे साथ है। और इसी तरह हम जब मंत्र के माध्यम से जब महालक्ष्मी को आराधन करेंगे शुभ के साथ साथ सुख समृद्धि हमारे साथ। जी तो स्वामी जी हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे जहाँ पर हम आपको पूछना चाहते हैं कि जब दीपावली मनाया जाता है तो दीपावली में आज के समय पहले तो दिए जलाए जाते थे और अलग अलग तरीके से पूरे घर को उज्जवल किया जाता था, बाती जलाए जाते थे। आज के समय में दीपावली में कैंडल जलाया जाता है, इलेक्ट्रिक कैंडल्स, और आजकल तो पानी वाले दिए भी आ गए हैं। तो अब ये क्या अग्नि, अग्नि को हमने पहले जैसे कि देखा था कि आपने कहा कि अग्नि से ही हमारी शक्ति होती है, अग्नि से ही ज्ञान होता है, तो अब जैसे कि ये पानी वाले दिए आ गए हैं तो अग्नि तो काफी ज्यादा कम हो चुका है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? नियम के अनुसार कैंडल नहीं जलना चाहिए। कैंडल हमारा धर्म और संस्कृति का विरोध है। सिर्फ ईसाई लोग कैंडल जलाते हैं। सो कैंडल का मतलब है नेगेटिव एनर्जी। ये जो ऊर्जा कैंडल से आएगा ये ऊर्जा अच्छा नहीं है। मैं आप दर्शकों को बताने चाहता था, इंग्लिश में एक कहावत है कैंडल लाइट डिनर, मतलब क्या आप लोग मानते हैं? क्योंकि एनर्जी जहां कैंडल है वहां एनर्जी कम है। सिर्फ ईसाई मंत्र चर्च में कैंडल जलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज है मैं इटली में हूँ। इटली में जो अच्छा टेम्पल सबसे जो वैटिकन सिटी हम बता रहे हैं सेंट पीटर्स चर्च में कैंडल नहीं है, वहां दिया जलाते हैं। लेकिन चर्च ने कैंडल इसलिए जला रहा है क्योंकि आपका एनर्जी कम होगा तो आप डिपेंडेंट होंगे। सो इसीलिए कभी भी किसी टाइम पर कैंडल जलाने का जरूरत नहीं है और आज का दिन कैंडल का अनुमति नहीं है, सबसे बड़ा चीज। दूसरा चीज आप जो बता रहे हैं कि आजकल जो आ गया इलेक्ट्रिक का लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिक का दिया बाहर के लिए अच्छा है, दिखावट के लिए, लेकिन एनर्जी के लिए। जैसे आजकल फेसबुक का डीपी, आपका डीपी आजकल का जो डीपी ये व्यक्ति तो नहीं है। डीपी में क्या, डीपी मतलब डिस्प्ले फोटो जो फेसबुक के दुनिया का है। सो डीपी में जो है वो व्यक्ति तो नहीं है, व्यक्ति तो पूरा अवग भी है। लेकिन डीपी के आधार से हम जाएंगे तो क्या होगा। सो इसी तरह तो ठीक है, बाहर का लाइट अच्छा है, जो इलेक्ट्रिक का लाइट अच्छा है बाहर के लिए दिखा, लेकिन वो एनर्जी नहीं देगा। जी से फोन और प्लास्टिक का जी, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अब आपने जैसे कि कहा कि फूल और प्लास्टिक का फूल, आप हमें ये बात बताइए कि एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, अग्नि एनर्जी की बात कर रहे हैं आप, तो अब कई सारी ऐसे कहा जाता है कि पांच तत्व होते हैं, तो पांच तत्वों में से मैंने जितना सुना है दीपावली पर पांच तत्व घर पर होने चाहिए, जैसे कि अलग अलग तरीके से फूल भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए और अग्नि भी होना चाहिए। अब ये पांच तत्वों के बारे में बताइए और इसका क्या जुड़ाव है दीपावली से, इसके बारे में बताइए। जब आप पांच पांच तत्वों को देख रहा है, स्पेस सबसे बड़ा चीज है, स्पेस तो हर जगह पे ही है। स्पेस के बाद वायु आ रहे, वायु के बाद जब अग्नि आ रहे, अग्नि हम बताते हैं प्रथम ओजा है। सो इसीलिए हम प्रथम ओजा वायु को बताते हैं, जैसे अग्नि बता रहे, इसीलिए कि अग्नि का जो रूप है हम देख सकते हैं, वायु का रूप हम नहीं देख सकते, स्पेस का जो आकाश का कोई रूप देख नहीं है। So, इसलिए जो हमको दिखते हैं सबसे बड़ा चीज है कि अग्नि है। सो अग्नि
जो ऊर्जा मिलता है बिना अग्नि में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो बताए कि पंच तत्व में वो दो तो एक ही, इसलिए अग्नि को हमको आराधना करना पड़ेगा और अग्नि के साथ साथ जल तत्व भी होना चाहिए, इसलिए कलस का व्यवस्था किया गया। कलश में सब कुछ पंच देवता के साथ और देवदेव को आराधना भी किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा चीज है कि हम क्या कर सकते हैं कि पृथ्वी तत्व तो यही है, इसलिए सब कुछ फूल और कुछ हम पृथ्वी तत्व भी मानते हैं। जब ये पंच तत्व का संतुलन रहेगा तो जीवन में और घर में सुख समृद्धि रहेगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो डेफिनेटली विज्ञान जी। तो स्वामी जी एक और बात आप बताइए कि अभी पहले तो जैसे कि हमने आपको पूछा है कि कैसे आजकल इलेक्ट्रिक दिए आ गए हैं, पानी वाले दिए आ गए हैं, इलेक्ट्रिक चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। अब जो अपने धर्म के अनुसार आप जो कह रहे हैं कि पांच तत्वों का यूज करना चाहिए दीपावली के दिन और घर में पांच तत्वों का संतुलन होना चाहिए, अब आजकल के समय में एक और चीज आ गया है, वो है पटाखे फोड़ना, क्रैकर्स फोड़ना। उससे काफी ज्यादा प्रदूषण तो होता ही है, पर इसमें क्या धर्म में ये क्रैकर्स फोड़ने का कुछ कहानी है या ये इस तरीके के चीजों को फोड़ना चाहिए या फिर पटाखों को फोड़ना चाहिए? क्यों नहीं, मैं आपको पूछने के लिए चाह रहा हूँ, जो नया वर्ष आ रही है और कुछ दिन के बाद नया वर्ष आएगा, नया वर्ष में 12th मिडनाइट 12 o'clock जितना पटाखा फोड़ रहे हैं क्या उसी में प्रदूषण नहीं होता है? ये सब हिंदू धर्म को दबाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा है। बात कीजिए, जब आप लोग नया वर्ष तथाकथित नया वर्ष में आप इतने पटाखा फोड़ सकते हैं, इसमें क्या है, छोड़ो ये इलेक्शन अभी हो रहे हैं भारत में कहीं कहीं हम प्रदेश में, जब इलेक्शन रैली आफ्टर काउंटिंग द वोट कितने पटाखा लोग फोड़ेंगे, क्या उसी में प्रदूषण नहीं होता? और जो प्रदूषण बारे में बता रहे दिन में कितना सिगरेट पी रहे, सिगरेट में कितना प्रदूषण हो रहे, गाड़ी में कितना प्रदूषण हो रहे, और किसी धर्म का जो सेलिब्रेशन है उसी में कोई रुकावट नहीं, सिर्फ हिंदू क्या है, हिंदू धर्म के लिए रुकावट है? पटाखा फोड़ना चाहिए जी। तो स्वामी जी अगर आप कह रहे हैं कि जैसे कि पटाखे फोड़ने चाहिए, हिंदू धर्म को रोका जा रहा है क्योंकि लोगों का कहना है कि अलग अलग, आपने जैसे कि कहा कि इलेक्शन के टाइम में, जब न्यू ईयर के टाइम में भी पटाखे फोड़ सकते हैं तो दीपावली में भी फोड़ना चाहिए। अब क्या धर्म में ऐसा, पहले के जमाने में तो शायद पटाखे नहीं होते होंगे, पर क्या पहले के समय पहले, अब ये हम बताए थे ना धर्म के अधर्म में बीच में जो युद्ध हुआ है, जब अधर्म का नाश हो गया, जो शरीर हो गया, शरीर का मतलब क्या है, कुछ ना नॉइज को होगा ही होगा, जो कुछ नॉइज हो सकता है सावधानपूर्ण होना चाहिए। जब इलेक्शन में कोई पार्टी जीतता है, जीतने के बाद क्या करता है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करता है, सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? जी, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से अभी के समय में दीपावली तो मनाई जा रही है, अब आपने कहा कि पहले के जमाने में भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्रैकर्स भी फोड़े जाते थे, पटाखे भी फोड़े जाते थे, तो आप अभी बताइए कि अगर अलग अलग बच्चे जैसे कि अभी क्रैकर्स फोड़ रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, इसमें कई सारी ऐसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है छोटे बच्चों को, तो शायद इसीलिए गवर्नमेंट रोक रहा होगा। बच्चे लोग पिता माता जी का जिम्मेदारी, उनके साथ जो फुल जो कुछ है वो करा सकते हैं,
जी, तो अब हम आपसे ये एक और चीज पूछना चाहेंगे, वो ये है कि पटाखों से हट करके हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। अब जब दीपावली के अवसर पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो सामने आकर के अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं, तो अब औरतों को क्या सेलिब्रेशन करना चाहिए और आदमियों को अलग अलग तरीके से? जैसे कि दीपावली के अवसर पर औरतें मिठाइयाँ बनाती हैं, ऐसे कहा जाता है, मैंने जितना पुराणों में पढ़ा है, मिठाइयाँ बनाते हैं, घर में सजावट होते हैं, और आदमी का ये काम है कि वो अपने अपने तरीके से भगवान की पूजा करें, और पूरा परिवार, समस्त परिवार मिल करके पूजा करता है। तो अब किस तरीके से आदमी और औरतों का अलग अलग तरीके से क्या रोल है दीपावली में? जी देखिए, हम ये बताते हैं कि जैसे टीवी चैनल पे आप जैसे फ्रंट में, सिर्फ आप फ्रंट में, लेकिन आप फ्रंट पे आने के लिए कितने लोग पीछे काम करते हैं वो कोई नहीं रखते हैं। जैसे तरह हमारा माँ होते हैं वो सब पीछे है, पर्दा के पीछे, और विदाउट देम द हाउस कैन नॉट रन, सेलिब्रेशन कैन नॉट हैपन। जी, जी, स्वामी जी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी। तो कई बार हमने ये बात सुनी है कि दीपावली के अवसर पर किन्नरों को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो हमें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से शुभकामनाएं भी देते हैं, और उनकी शुभकामनाएं हर घर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है और काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं। पर इसके पीछे का क्या कहानी है, जरा आप विस्तार में समझाएं। मुझे बात है क्योंकि इस किन्नर को बुला सकते हैं, सबको बुला सकते हैं, ये क्योंकि हम जो खुशियां हैं खुशियां को बांटना है, और सबसे बड़ा चीज है दूसरे लोगों को जो इधर के लिए कि उधर नहीं है उनको प्रारण करने करना चाहिए, ये सबसे बड़ा चीज है, और कुछ नहीं है। क्योंकि इसीलिए हम जो हमारा जो पड़ोसी है पड़ोस के साथ भी रहना चाहिए, पड़ोस के साथ भी दोस्त बांटना चाहिए, मिठाई देना चाहिए, सब कुछ चाहिए। सबसे बड़ा चीज है कि मेरे पास जो खुशी है वो सब बांटना चाहिए, दूसरे के साथ भी एकजुट होना चाहिए। ठीक है, मुझे किन्नर बारे में इतना पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, तो आप मुझे माफ कीजिए, लेकिन जो हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो ग्रुप भी हम एक्सेप्ट करना चाहिए बस। जी, तो स्वामी जी, एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि श्री राम जब वापस आए थे, तो उन्होंने पहले जाने से पहले, अपने वनवास में जाने से पहले कहा था कि सारे पुरुष और महिलाएं अपने घरों में जाकर के मेरा इंतजार करें। पर जब वो वापस आए, तो उन्होंने देखा था कि किन्नर उनके दरवाजे पर ही खड़े हुए थे, अपने अयोध्या के दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। जब उन्होंने पूछा, तो किन्नर सामने आकर के कहते हैं कि हम ना आदमी हैं और ना ही हम महिला हैं, और इसीलिए हम आपका दरवाजे पर ही वेट करते रहे। उसके बाद ही राम ने उन्हें ये वचन दिया था, और ये कहा था कि ये वरदान मैं तुम्हें देता हूँ कि आने वाले समय में तुम जिसे अपनी मनोकामनाएं दोगे, जिसकी मनोकामनाएं तुम अपने मुंह से बोलोगे, और जिसे तुम अपने वेल विशेस दोगे, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो इसकी कहानी के बारे में आप जरा विस्तार से बताइए। अच्छा है क्योंकि भगवान राम मर्यादा कृष्ण जो नियम को बना के गए वो नियम को पालन करना चाहिए, और सबसे बड़ा चीज जैसे ढंग से बताया, क्योंकि किन्नर ठीक है जो किन्नर हो रहे वो अपना जो पूर्व जन्म कर्मानुसार है, जो कुछ हमारा जो पुरुष जन्म और नारी जन्म जो कुछ है कि किन्नर हो, सब कुछ पूर्व कर्मानुसार हमको जन्म मिलता है। इसी में मेरा क्या गलती है, बड़ा शुरू हो गया है। तो इसीलिए भगवान राम जी ने जिस मर्यादा दी है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम जी बता दें, उन्हीं मर्यादा को हमको हमारा कर्तव्य की हमें पालन करना चाहिए। सो ये सिस्टम के अनुसार हम किन्नर को चाहे तो पास में है तो बुला सकते हैं, जरूर बुलाना चाहिए। जी, स्वामी जी, चलते चलते कुछ मंत्र उच्चारण बता दीजिए दीपावली के अवसर पर श्री राम के लिए, माता सीता के लिए। अब कुछ मंत्र उच्चारण बता दीजिए दीपावली के लिए। जी, सबसे बड़ा चीज ये क्योंकि इधर श्री राम का जितना प्राधान्य नहीं है, क्योंकि आजकल ये जो श्री राम जी का नारा आ गया ये पॉलिटिकल प्रोपागेंडा हो गया, बात कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा चीज है दीपावली में महालक्ष्मी का आदर सबसे होना चाहिए, और दूसरा बात की महाकाली का भी आज पूजन होगा। इसलिए सबसे बड़ा चीज है कि सीता माता जी, आप जो सीता जी बारे में बताइए, सीता माता जी महालक्ष्मी का अवतार है, सो इसीलिए लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजा पूजन होना चाहिए। लेकिन मैं
इसलिए बताने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि आजकल श्री राम जी का नारा बहुत हो गया, हो रहे हैं, बोला भी चाहिए, बहुत दिक्कत नहीं है, ये अच्छा है हमारे लिए, सुबह कर रहे, लेकिन कभी ये जितना होना चाहिए इससे ज्यादा पढ़े और कुछ नहीं है। स्वामी अच्छा स्वामी जी, कुछ मंत्र उच्चारण के बारे में आप बताइए कि दीपावली के अवसर पर कौन से मंत्र उच्चारण करने चाहिए। सबसे बड़ा चीज है जब हम लगाते हैं दीपक, क्या लगाने के टाइम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते जी। सबसे पहले ये करना चाहिए और जब हम दिया को पूजन भी करना चाहिए, बोल दीपदे भे नमः और महालक्ष्मी शोभा श्री दीपदे भे नमः ध्यायामि आवाहयामि आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः भर्गं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नापयामि स्नानान्तरम् आचमनं समर्पयामि वस्त्रं च उपवस्त्रं समर्पयामि जी। तदनन्तरं आचमनं समर्पयामि गन्धान् समर्पयामि गन्धस्य उपरि हरिद्राकुमं समर्पयामि तस्य उपरि अक्षतां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। उसी टाइम आप महालक्ष्मी का आठ नाम ले सकते हैं, जैसे ओम प्रबुद्धे नमः, ओम विद्याये नमः, ओम ब्रह्मांडे नमः, ओम श्रद्धाये नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम वाचे नमः, बस ऐसे 108 नाम ले सकते हैं। इसी के बाद धूपम और दीपम, धूपम के लिए मंत्र लिए सिर्फ किसी भी पनस्ते धूपम आघ्रापयामि दीपम संदर्शयामि धूप दीपम अनंतर आचमनीयम समर्पयामि। जो महानैवेद्य बना गया पायस से लेकर मिठाई तक जो कुछ है वो भी अर्पण करना चाहिए और ये अर्पण करने के महानैवेद्यम निवेदयामि मध्य मध्य अमृत सान्यम पानीयम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि। इसके बाद आरती फिर देना चाहिए कर्पूर आरती, कर्पूर आरती के लिए जो हमारा जो मंत्र है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यम अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति जी। कर्पूर विराजम् अनन्तरम् आचमनं समर्पयामि रक्ष रक्षां धारयामि। ये होने के बाद जितने लोग थे सब लोग पुष्पांजलि देने के लिए जाना चाहिए, बस पुष्पांजलि जब पुष्प दे दिया गया पुष्पांजलि देने के लिए भी मंत्र यही है हमारा जो वैदिक मंत्र है ओम यो पाम पुष्पम वेद पुष्पवान प्रजावान पुष्पान भवति यदेवं वेद यो पाम आयतनम वेद आयतनवान भवति ओम तत् ब्रह्म ओम तत् वायु ओम तत् आत्मा ओम तत् सत्यम ओम तत् सर्वम ओम तत् पुरुषं नमः पुष्पाजलि समर्पयामि पारिजात पुष्पं समर्पयामि सुवर्ण पुष्पं समर्पयामि छत्र चामर आदि समस्त राज उपचारम समर्पयामि। तो ये तो हमने आपको दिखा लिया कि किस तरीके से दीपावली के अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे स्वामी जी, और हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से स्वामी जी जुड़े हुए थे और कई सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, कई सारे मंत्र उच्चारण के बारे में भी बताया। हम इंडिया 24/7 नेटवर्क की तरफ से आपको दीपावली की काफ़ी सारी शुभकामनाएं देते हैं, पर अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा इंडिया 24/7 नेटवर्क। नमस्कार।